आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। इतवार की इस महकी हुई सुबह जब आप फुर्सत के चंद लम्हों का लुत्फ उठा रहे हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं हिंदुस्तान हमारा का ये संडे स्पेशल लेकर। मेरी आवाज़ सुनो में आज हम दिखाएंगे एक ख़ास पैकेज कि टीवी सीरियल से क्यों गायब होते जा रहे हैं मुस्लिम किरदार। इस बार के संडे स्पेशल में हम एक ख़ास सेगमेंट नकवी के किस्से शुरू कर रहे हैं। नकवी के किस्से में हम सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सईद नकवी की कुछ अजीम शख्सियतों से हुई उनकी मुलाकातों के मज़ेदार किस्से सुनेंगे। मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। इडियट बॉक्स भले ही आज छोटा पर्दा बन गया हो, आज लगभग 500 से भी ज़्यादा चैनल आ रहे हैं जिनमें एंटरटेनमेंट चैनलों की तादाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन इन चैनलों में आने वाले सीरियल में मुस्लिम समाज की कहानी और उसके किरदार कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। मेरी आवाज़ सुनो में हम कौम की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं, मुल्क और दुनिया की एक सही और सच्ची तस्वीर पेश करने के वास्ते। आज न सिर्फ दुनिया बदली है बल्कि कभी इडियट बॉक्स कहा जाने वाला टीवी भी इस कदर बदल गया है कि न सिर्फ उसकी शक्ल बदली है बल्कि उसकी गिनती में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। आज अकेले हिंदुस्तान में लोगों के पास 500 से ज्यादा चैनल्स के ऑप्शन हैं। हमें पता चला कि आप किसी मुसीबत में थे। कभी मुल्क में टीवी का मतलब सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, आज के दौर में दूरदर्शन भी अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। भारत में टीवी की शुरुआत 70 के दशक में हुई और उस समय से आज के दौर में अगर हम टीवी को देखें तो एक रेवोल्यूशन आया है और टीवी के अंदर आई इस क्रांति में इसके लगभग 500 से ज़्यादा चैनल हैं जिन्होंने इसको एक इडियट बॉक्स की जगह एक जादुई पिटारे में बदल दिया है जहां हर एक के लिए टीवी कुछ ना कुछ परोस रहा है। टीवी में जहां खबरें हैं, दुनिया की बातें हैं, स्पोर्ट्स है, वहीं लोगों का दिल बहलाने के लिए डेली सोप ओपेरास भी है। यानी एक तरह कहा जाए तो आज टीवी पर सीरियल का कब्जा है। सीरियल्स भी किस्म किस्म के हैं जो आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं, जज्बाती बनाते हैं और आपकी जिंदगी के खालीपन को भरने में अपना अहम रोल निभाते हैं। रंग बिरंगे आलिशान सेट्स, लार्जर देन लाइफ के किस्से, गली मोहल्लों के अफसाने, मुल्क के अलग अलग हिस्सों, गुजरात, बिहार, राजस्थान आदि की कहानियाँ, पर कहीं ना कहीं आज भी अलग अलग चैनल्स पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल से मुस्लिम समाज, उसकी तहजीब, उसकी जिंदगी नदारद है। अब इसकी क्या वजह है इसे जानना उतना ही जरूरी है। जब तक दूरदर्शन का जमाना था तो दूरदर्शन चूंकि एक सरकारी चैनल है तो उसकी इंडियन सोसाइटी के प्रति एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए हमें दूरदर्शन पर लगभग सभी धर्मों के जुड़े सीरियल नजर आए। इसकी एक हम मिसाल दे सकते हैं, 80 के दशक में शुरू हुआ हम हिंदुस्तानी हो या नीम का पेड़ हो, जहाँ पे मुस्लिम लैंडलॉर्ड है तो हिंदू उसका सेवक है, उसकी पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, मिर्जा गालिब, गुल गुलशन गुलफाम जैसे सीरियल मुस्लिम समाज की बात करते रहे, उसकी तहजीब और जिंदगी की तस्वीर दिखाते रहे। 80 के दहाई में शुरू हुआ मिर्जा गालिब आज तक का सबसे ज्यादा मशहूर सीरियल रहा जो मुस्लिम समाज पर बना था। गुलजार के जरिए लिखे और डायरेक्ट किए गए इस सीरियल में नसीरुद्दीन शाह मिर्जा गालिब के किरदार में नजर आए। मैंने अपनी टोपी नहीं उतारी और मिर्जा गालिब की गजलों को जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने तब अपनी आवाजें दी थी। मोहब्बत को करवट बदलते देर नहीं लगती। कश्मीर की वादियाँ, शिकारा और मुस्लिम परिवार की जिंदगी के साथ उसकी जद्दोजहद को खूबसूरती से गुल गुलशन गुलफाम में दिखाया गया। शर्मिंदा होगा तो ये टीवी पर आया पहला ऐसा सीरियल था जिसमें कश्मीर और कश्मीरी परिवार की कहानी को बेहद खूबसूरती से पेश किया गया। अब तो खुश हो गए। इस सीरियल की पॉपुलैरिटी का ये आलम रहा कि दूरदर्शन के जरिए दिखाए जाने के बावजूद कई प्राइवेट चैनल्स ने भी इसको टेलीकास्ट किया। अब तो तबीयत हल्की होगी ना।
90 की दहाई में दूसरे प्राइवेट चैनलों मसलन सोनी और जी टीवी पर भी कुछ ऐसे सीरियल मुस्लिम परिवेश पर बने, जिसमें सोनी पर शाहीन और हिना का नाम लिया जा सकता है। शाहीन में जहां एक कम उम्र की तलाकशुदा मां शाहीन की कहानी कई मोड़ों से गुजरी, वहीं हिना में एक शहरी पढ़ी लिखी अमीर परिवार की लड़की हिना की कहानी में वो अपनी तलाकशुदा जिंदगी से बाहर आने की कोशिश करती नजर आई। शाहीन के मुकाबले हिना को देखने वालों ने ज्यादा पसंद किया। उसे भी उतरने में देर नहीं लगेगी। हिना के बाद नाम गुम जाएगा सोनी पर आया, पर ये चल नहीं पाया। आज सोसाइटी में एक बात फैल रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी में परचेजिंग पावर कम है, तो इसलिए उन पे सीरियल्स कम बन रहे हैं। आज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीरियल गुजराती परिवेश में दिखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भावना है कि गुजराती में परचेजिंग पावर सबसे ज्यादा है। या फिर इसके पीछे एक दूसरा कारण है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादातर गुजराती हैं, तो इसलिए हमें एक ये सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम समाज से जुड़े सीरियल हमें सबसे कम नजर आज के दौर में आ रहे हैं। स्टार प्लस पर सजदा तेरे प्यार में इसी साल शुरू हुआ, पर टीआरपी नहीं मिल पाने की वजह से चैनल ने इसे 2 महीने के अंदर ऑफ एयर कर दिया। इस वक्त सहारा पर जारा, दूरदर्शन पर शमा और ये जिंदगी है गुलशन कुछ ऐसी गिनती के सीरियल हैं जो मुस्लिम समाज की कहानी कहते हैं, पर ये भी ऑडियंस पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आज मुस्लिम सोसाइटी से जुड़े हुए सीरियल्स की कमी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कई सीरियल्स बने, जैसे शाहीन था, चाहे हिना था या नाम गुम जाएगा। इन सभी सीरियल्स की कहानी में एक मुस्लिम लड़की की कहानी को कहने की कोशिश की गई, उसकी जिंदगी से जुड़ी समस्याओं, जद्दोजहद को, पर उसे दिखाने के लिए कहीं ना कहीं फिर तलाक, बुरका, ऐसे कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिसके प्रति मुस्लिम समाज अभी भी कंजर्वेटिव सोच रखता है। और चूंकि बाजार का हिस्सा है आज टीवी या फिर फिल्में, तो प्रोड्यूसर्स ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते, तो आज वो इन सीरियल्स के ऐसे टॉपिक से दूर हट रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो बिक रहा है, जो बिक सकता है सास बहू जैसे सीरियल्स, उसी को बनाने में फायदा है। दूसरे चैनलों के मशहूर सीरियल जैसे लापता गंज और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो आम आदमी की कहानी कहते हैं, इनमें भी मुस्लिम किरदार मिर्जा साहब और अब्दुल के रूप में नजर आते हैं। मिर्जा साहब, ईद बहुत बहुत मुबारक। इन गिनती के चंद नामों और किरदारों के अलावा मुस्लिम समाज सीरियल्स की दुनिया से क्यों नदारद है, ये बात निहायत ही परेशान करने वाली है। टीवी पे अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आर्टिस्ट हमें मुस्लिम समाज से ही जुड़े नजर आएंगे, जो हिंदी के सीरियल्स में काम कर रहे हैं, जो हमें हिंदी के सीरियल्स हों और बहू और बेटियों के रूप में वो हमें आर्टिस्ट नजर आ रही हैं। और रही बात मुस्लिम समाज से जुड़े सीरियल बनाने की, तो आज भी कुछ चैनल्स ने कोशिश की, लेकिन आज के दौर में अगर वो मुस्लिम समाज को दिखाने जाने की कोशिश में, उनके ये सीरियल कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं विवादों में फंस कर बंद हो गए। मौजूदा वक्त पर बाजार की बादशाहत कायम है, तो क्या इसको इस बात से जोड़कर देखा जाए कि मुस्लिम परिवेश वाले सीरियल में स्पॉन्सर की दिलचस्पी नहीं होने की वजह से ऐसी नौबत आती है? अगर ऐसा है, फिर तो ये मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों के साथ बेहद नाइंसाफी है। मेरी आवाज सुनो के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं हमारा खास सेगमेंट नकवी के किस्से। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। तय हो गया कि अब इंटरव्यू मेरा गोर्बाचेव के साथ व्लादिमीर मिंस्की हॉल ऑफ द क्रेमलिन पैलेस में होगा।